हाँ आ रहा है सर आवाज। तो ये देखा दोस्तों आपने, एक वीडियो कॉल पे आईपीएस लोकेश जी पांडे बात कर रहे हैं और वो मेरे को धमका रहे हैं कि तेरा एक वीडियो बना हुआ है वो वायरल हो जाएगा और गलत जो वीडियो बना है लड़की के साथ जो गलत हरकत की है वो वायरल फेसबुक पे हो जाएगा और योगेश कुमार का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर तेरा वीडियो वायरल होने ही वाला है। तो ये जो आईपीएस है ये पांडे जी साहब है जो अपन को धमका रहे हैं कि तू इतना पैसा भेज दे उससे सेटलमेंट कर ले। किस तरीके से आपने देखा होगा एक वीडियो कॉलिंग पे ऐसा ही होता है जब किसी भी भाई का गलत वीडियो बन जाता है और उसको बार बार एक पुलिस अधिकारी बन के फोन किया जाता है। अलग अलग जब किसी लोग अलग अलग लोगों का अलग अलग वीडियो बनता है तो अलग अलग पुलिस ऑफिसर फोन करते हैं, किसी को राम पांडे करते हैं, किसी को अभिषेक जी करते हैं, किसी को कौन सा अलग अलग नाम बताते हैं। इधर से जो पांडे जी बता रहे हैं कोई विक्रम राठौड़ बता रहा है, अलग अलग आईपीएस ऑफिसर में डीसीपी बात कर रहा हूँ मैं, वो बात कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में आपको पूरी सच्चाई सामने आने वाली है। शुरू में आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से आईपीएस ऑफिसर आपको धमका रहा है, मेरे को धमका रहा है। अब एक आप ये क्लिप और देख लीजिए दोस्तों, इसके अंदर क्या आपको जानकारी दी गई है अच्छी तरीके से सुनिए इसको थोड़ा सा, देखिए दोस्तों। वायरल कर देगी वो और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है वायरल कर देगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वायरल तो आपका वीडियो होगा तब आपको पता चल जाएगा। आपकी आवाज इतनी क्यों गूंज रही है सर ऑफिस में? ऑफिस में गूंज क्या, इधर क्या हुआ? वो ऑफिस में ही गूंजते और क्या, कहां पे गूंज लगा रहा आवाज ऐसे जब खतरनाक जैसे कोई पाइप में बोल रहे हो आप। अच्छा जी ओके सर करवा दो ना प्लीज। तो उसको मैं फोन करूंगा तो वो पैसे 11,000 मांगेगा मेरे से। कौन मांगेगा 11,000 मांगेगा? तो आप उससे कम कराओ, कम करा कर अपना वीडियो डिलीट कराओ, पैसे का कोई मुझे, आपका इज्जत प्यारी है, आपको पैसा प्यारा है। नहीं सर मेरे को ये बताइए, आप तो पुलिस में हो सर है ना? तो मैं अब वहां तो मेरा बताइए आप, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? मेरे को ये बताइए क्या वास्तव में ये वायरल कर देते हैं क्या? वायरल वीडियो होगी तो आपकी फैमिली के द्वारा हो जाएगा, ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा। ठीक है नहीं ये वास्तव में वायरल करते हैं कि इतनी तो सर ये तो आपने देखा होगा कि मैं बात कर रहा हूं उस आईपीएस ऑफिसर से, मैं बात कर रहा हूं, वो मेरे को बार बार धमका रहा है तेरे को सुप्रीम कोर्ट से बचा दूंगा। उसको ये पता नहीं है कि मैं कौन बात कर रहा हूं उसको, अभी तक वो यही सोच रहा है कि जिसका वीडियो अपन लोगों ने बनाया है वही अपन से बात कर रहा है, लेकिन धोखा उसी के साथ हुआ। देखिए किस तरीके से हुआ, आप सोचिए पूरे वीडियो को देखिए एक बार, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अपन को उनको जवाब देना चाहिए। आज का ये वीडियो आपको हर उस बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है जो बंदा ऐसे वीडियो कॉलिंग में फंस चुका है या अब आगे कभी किसी दिन अगर फंस भी जाए तो ये वीडियो उसको बहुत काम में आएगा, क्योंकि जब वही बंदा उसी समय पैसे देता है जब उसके पास एक पुलिस ऑफिसर का फोन आने वाला है। जब उस ऑफिसर का फोन आता है तेरे घर आ जाऊंगा कि धमकी देता है, तेरे को गिरफ्तार करवा दिया जाएगा, तेरे को वो करवा दिया जाएगा, ऐसी बातें जब वो करता है ना तब वो बंदा उसको पैसे भेज देता है। अब बंदा मेरे को कह रहा है कि 11,000 रुपए में तेरा सेटलमेंट हो जाएगा, 15,000 में हो जाएगा, तू पैसे फोन पे पेटीएम कैसे भी कर दीजिए। तो एक आईपीएस ऑफिसर क्या मेरा वीडियो सेटलमेंट करवाने के लिए बेटा है क्या? मैं उससे पूरी जानकारी उससे लिया है मैंने। अब आप ये देखिए मैंने जो सुना था, एक बार थोड़ा सा क्लिप आप फिर से सुनिए, मैंने उसको पूछा है कि आप इतनी आवाज तेज आवाज में बात कैसे कर रहे हो भाई, आपकी आवाज इतनी गूंज कैसे रही है? तो उसका क्या जवाब है देखिए, कोई पाइप में बोल रहे हो आप। अच्छा भाई मैंने उसको ये तक कह दिया कि आप किसी पाइप में बात कर रहे हो क्या मेरे से, फिर भी वो नहीं समझ रहा है, उसको पता नहीं है देखिए पैसा देख कर जाएगा, उसको पता नहीं है कि ये पैसा एक रुपया नहीं देने वाला है। तो अब इसकी क्या सच्चाई है, क्या विक्रम राठौड़ है, क्या अभिषेक पांडे है, क्या राम पांडे है, क्या कौन से अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी आपको आईपीएस फोन कर रहे हैं, क्या वास्तव में करते हैं? बिल्कुल दोस्तों आपको क्लियर बता दूं, अगर आपके साथ कहीं भी वीडियो कॉलिंग स्कैम हो जाती है तो आप उसको एक रुपया नहीं देवें। अगर आपके पास YouTube कंपनी योगेश कुमार का YouTube कंपनी, अब देखिए इसकी एक रिकॉर्डिंग और सुना देता हूं मैं आपको, ये रिकॉर्डिंग आप सुनिए अच्छी तरीके से, ये योगेश कुमार जी के बारे में क्या बता रहा है देखिए, सुन लीजिए अच्छी तरीके से आपको पहचान आ जाएगा। ये लो। हाँ सर, हेलो। हाँ सर आवाज आ रहा है? अब आ रहा है सर एकदम साफ आवाज। जी मैं ये बोल रहा हूँ आपको सोशल मीडिया के द्वारा योगेश कुमार से बात करना होगा और
उससे बोलिए, उससे बोलना है मेरा नादानी में गलती हो गई सर, इस वीडियो को जल्द से जल्द डिलीट करिए, वो फैमिली मेंबर हो, ठीक है जी जी, और मेरा जल्द से जल्द ये वीडियो डिलीट होकर मुझे प्रूफ आना चाहिए। और बेटा ने इधर आपका, इधर मेरे पास दिल्ली में, इधर आपका मेरे पास आपने मेल सेंड किया, वीडियो डिलीट हो गया, प्रूफ सेंड करने, तो आपका मैटर सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, आपका सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से मुकदमा खारिज करा दूंगा, ठीक है जी सर। जी सर, ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा क्या सर? ये हाँ सर, क्या बोल रहे, ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा क्या? बेटा देखिए, गंदा न्यूट वीडियो का है, ठीक है जी, गंदा न्यूट वीडियो का बहुत बुरा प्रोग्राम हो जाएगा, आपको पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि तेरा वीडियो है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक चला जाएगा, वहां से मैं डिलीट करवा दूंगा। तो भाई तेरे को आईपीएस इसीलिए नियुक्त किया गया है कि तू सुप्रीम कोर्ट से लोगों के न्यूड वीडियो डिलीट करवाता जा, हमने तो ऐसा नहीं देखा अभी तक। उसको ये पता नहीं है जो सामने बात कर रहा है वो खुद पुलिस वाला है, अपन किसको बेवकूफ बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद में जब इसको पता चला, मैंने कहा एक बार दोबारा वीडियो कॉल कर दीजिए, जब मैंने इसको पता किया, इसका दोबारा वीडियो कॉल आया, मैंने बैक कैमरा करके सब सिस्टम दिखाया, मैंने सारा सिस्टम, तब इसको पता चला कि रे यार अपन कल शाम से जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, अपन तो उल्टे फंस गए। इसने तुरंत मेरे नंबर को ब्लॉक किया और खुद के नंबर स्विच ऑफ, अभी भी इसके नंबर स्विच ऑफ आ रहे मैंने 3-4 नंबर से कॉल कर लिया है, अभी स्विच ऑफ आ रहा है और इसका नंबर मेरे को लग रहा है वापस स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब मैंने इसका कैसे परीक्षा ली है, मेरे किसी फौजी भाई का वीडियो बनाया था इसने, किसी फौजी भाई का, गलत फौजी भाई ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसके एक फोटो से ही उसका एडिट करके इसका वीडियो मेरे फौजी भाई का बनाया था इसने। और फौजी भाई ने मेरे को तुरंत नंबर भेजे कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने कहा मैं खुद बात करूंगा इससे, और मैंने खुद इससे इस तरीके से जवाब दिया है इसको कि आप सब लोगों के सामने हैं। तो अब मैं सबको ये कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप किसी भाई के साथ ऐसा हो जाता है और आपके सामने आईपीएस लोकेश पांडे जी और आप आईपीएस राम पांडे जी और विक्रम राठौड़ जी, अलग अलग प्रकार के आईपीएस साहब बन बन के फोन जो करते हैं ना, उनसे बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, ये बिल्कुल फेक कॉल आते हैं, इस तरह से आपको आईपीएस साहब फोन करने वाले नहीं हैं दोस्तों, ये बिल्कुल फेक कॉल आते हैं, बिल्कुल इनकी गैंग होती है, ये खुद कह रहा है कि इनकी गैंग होती है। आगे सुन लीजिए, देखिए सुनिए आप ये खुद क्या कह रहा है। अच्छा अच्छा, तो सर मेरे घर वालों को तो पता नहीं चलेगा ना? किसको? घर वालों को। बेटा घर वालों को आपको तभी नहीं पता, आप अपना मैटर को सॉल्व करा लोगे तो आपको घर वालों को भी नहीं पता पड़ेगा, तो मैटर सॉल्व नहीं करोगे तो पुलिस से कोई भाग नहीं पाएगा, 100 दिन छोड़ेगा, 1 दिन पुलिस का, ठीक है? नहीं सर, वो अब इसको जल्द ही पता भी चलेगा कि 103 पुलिस के 1 दिन पुलिस का, 100 चोर के 1 दिन पुलिस का। वास्तव में इसको जिस दिन ये पुलिस के हत्थे चढ़ेगा उस दिन पता चलेगा कि वास्तव में 1 दिन जो पुलिस का होता है वो क्या होता है। देखिए सर, वो पहले 5,000 रुपए उसने मेरे से लिए, अब वो 11,000 मांग रहा है सर। नहीं, वो साहब है तो लड़की या लड़का है वो? बेटा उनकी गैंग है, ठीक है? अच्छा जी, बता रहा है कि उनकी तो गैंग है पूरी। मेरे को डर लगता है उनसे बात करूंगा तो। अब ये मेरे को वीडियो कॉल कर रहा है, मेरे को बार बार कह रहा है कि वीडियो कॉल रिसीव कीजिए। इसको ये पता नहीं है कि वीडियो कॉल रिसीव करेंगे तो अपना पता है इसको पहले से ही। भाई लोग जब क्या करते हैं, ये वीडियो कॉल करते हैं ना, तब ये डायरेक्ट किसी आईपीएस ऑफिसर का पहले से वीडियो चालू कर देते हैं और उसको कैमरे से टच कर देते हैं, तो जैसे ही लोगों के सामने वो फोटो आती है वो घबरा जाते हैं। भाई लोग तो पहले से ही घबराए हुए हैं ना, जब उनका इस तरीके से वीडियो बना है उनको पहले से ही टेंशन हो रखी है यार, वो पहले से ही दिमाग में इतना संतुलन नहीं है कि यार वो सोचने का समय नहीं उनके पास, तो वो पहले से टेंशन में है ऊपर से, और ऊपर से एक आईपीएस का वीडियो दिखा रहा है भाई अपन को, वो वैसे ही डर जाते हैं तो पैसा भेज देते हैं। तो भाई लोगों, आज का जो वीडियो है आपको उस सच्चाई से रूबरू करवा रहा है जिनके साथ वीडियो कॉलिंग स्कैम हुआ है और आईपीएस का फोन आया है, इसके बाद में पैसा दिया है। भाई लोगों, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा इसको, 100% आपको एक ना एक दिन अपने दोस्तों के ये वीडियो काम आने वाला है, मैं लिख के कह रहा हूँ आपको, क्योंकि जिन दोस्तों ने पैसा भेजा है ना
आज तक मैंने चेक किया है 90% पैसा उसी समय भेजा गया है जब ये पुलिस का कॉल आया है। भाई लड़की से तो लोग नहीं डरे हैं, लड़की को पैसा नहीं दिया, यूट्यूब कंपनी वालों को भी नहीं दिया है, लेकिन जब ये वीडियो कॉल आया है ना उस समय लोगों ने पैसा भेजा है 100%। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि हर बंदा उस पैसा उसको नहीं देगा जिस समय वीडियो कॉल एक आईपीएस का आएगा, आपको सेटलमेंट करवाने के लिए उसका कॉल आएगा। भाई कोई सा भी आईपीएस अधिकारी आपको सेटलमेंट करवाने के लिए कॉल नहीं करने वाला है और इस तरीके से वीडियो कॉल पे आपसे संपर्क नहीं करेगा कि मेरे से वीडियो कॉल कीजिए। ये मेरे को ऐसा लग रहा है किसी कोई बर्तन में मुंह देके बोल रहा है, आवाज़ तो इसकी ऐसे गूंज रही है। भाई ये भी मेरा वीडियो देख रहा होगा, स्कैमर भी, मैं सोच कह रहा हूँ 100% ये वीडियो वो भी देखेगा, स्कैमर भी 100% देखेगा। तो तू भी सुन लेना भाई, तू जो बोल रहा था वो ऐसे आवाज आ रही थी जैसे किसी बर्तन में मुंह घुसा के तू बोल रहा है। और आप लोग समझ जाइए भाई, ये तो बोलेंगे आप लोग, हम लोगों को समझना है, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना है। कोई भी आईपीएस अधिकारी फोन नहीं करेगा, आप किसी को पैसा मत देना भाई, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो। जय हिंद जय भारत।